नमस्कार दोस्तों, जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ। सावन का महीना, बारिश की फुहार और कावड़ियों की भरमार। हम पहुंचे हैं गांव सुरहती में, जहां इस समय हम गांव सुरहती के मेन रोड पर खड़े हैं। और आप यहां देख सकते हैं, इस समय यहां शिव कावड़ शिविर का आयोजन किया गया है समस्त ग्रामवासी सुरहती के द्वारा। और भाई जो मुकेश शर्मा है, सुरहती के मुख्य समाज सेवक है, उनके द्वारा यहां कावड़ियों की सेवा के हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। हम चलते हैं शिविर में, जहां भोले भगत कावड़िया अपने कंधों पर पवित्र गंगा जल धारण कर यहां पहुंचते हैं और शिव शंकर भोले का यहां जलाभिषेक करते हैं शिवरात्रि के दिन। और यहां आप देख सकते हैं, इस समय हरि की नगरी हरिद्वार से पवित्र गंगा जल धारण कर शिव भक्त कावड़िया यहां पहुंचते हैं। शिविर में कुछ देर विश्राम करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने गंतव्य सथल की ओर। और यह शिविर जो आयोजन किया गया है गांव सुरहती में, यह शिविर आयोजित किया गया है, जहां इस समय यहां शिव भगत कावड़िया पहुंचते हैं और अपने जो कंधे पर इन्होंने गंगा जल धारण किया हुआ है उसको लेकर के ये अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हैं। और माना जाता है हिंदू धर्म में, कावड़ियों को जो पुण्य प्राप्त होता है शिव भक्ति से, जो पुण्य प्राप्त होता है, आप देख सकते हैं यहाँ बुजुर्ग से लेकर के बच्चे बूढ़े, आप यहाँ हम शिविर में पहुँचे हैं सुरहती गांव के इस शिविर में, जहाँ ये इसको बोलते हैं जब कावड़िया विश्राम करता है तो अपनी कावड़ को, इस पवित्र गंगा जल को यहाँ इन बलियों पे, इन कावड़ों को झुला दिया जाता है विश्राम के तौर पर। इसमें आप देख सकते हैं सुरहती गांव के ग्रामीण बुजुर्ग और युवा यहां पहुंचे हैं शिविर में, जहां शिव कावड़ शिविर का आयोजन किया गया है। और ये कावड़िया भिन्न भिन्न रूपों में जय दादा नीमनाथ की, जय शिव शंकर भोलेनाथ की। और आप देख सकते हैं इस समय कावड़ियों में उत्साह है और यहाँ भगवान शिव का गुणगान किया जा रहा है जयकारों के साथ। सुरहती गांव के इस पवित्र पुण्य नगरी में यहाँ एक कावड़ शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन की नज़र में, यहाँ इस समय शिविर का आयोजन किया गया है। समस्त सुरहती गाँव के गणमान्य जन और शिव भगत यहाँ पहुँचे हैं। और हम आपको बता दें कि 3 तारीख से इस शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ सुरहती गाँव के ये बुजुर्ग, युवा और शिव भगत यहाँ आने वाले सभी कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं। उनके लिए भोजन से लेकर के नहाने तक की व्यवस्था यहाँ सुरहती गांव की ओर से, और मुख्य समाज सेवी, जैसा कि आप यहाँ बैनर में देख सकते हैं, मिस्टर मुकेश शर्मा सुरहती, और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह कावड़ शिविर आयोजित किया गया है। और हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि सावन के महीने में हरि की नगरी हरिद्वार से पवित्र गंगा जल धारण कर कावड़िया हरिद्वार से पैदल यात्रा करते हुए, शारीरिक कष्टों को भोगते हुए शिव मंदिर धाम तक पहुंचते हैं और पवित्र गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कराते हैं। और ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि इस तरह की इस यात्रा से ना केवल कावड़िया को अपितु कावड़िया की सेवा करने वाले उन सभी शिव भक्तों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ आपने देखा नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस समय शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है, कावड़ की वेशभूषा है और गेरवे वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए हैं। और सावन के इस पूरे माह में यह प्रक्रिया जारी रहती है। आज हम पहुँचे थे पवित्र गाँव सुरहती में, जहाँ दादा नीमनाथ का मंदिर है। और माना जाता है कि सुरहती गाँव जो इस हल्का बादड़ी का एक विशिष्ट गाँव है, और जहाँ इस तरह के धार्मिक सामाजिक आयोजन किए जाते हैं समस्त इन ग्रामवासियों के सहयोग से। आप देख सकते हैं ये लोग अपना 3 तारीख से यहाँ जुटे हुए हैं शिव भक्तों की सेवा में। हम बात करना चाहेंगे कुछ शिव भक्तों से। जी, यह जो शिविर लगाया गया है, यह जो शिविर लगाया गया है, यह कब तक चलेगा साहब?
कल 12 बजे बाद तक, और यह कल शिवरात्रि के जलाभिषेक तक जारी रहेगा। तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, कांवड़िया किस तरह से यहाँ विश्राम करते हैं और क्या क्या आप उनके खान पान की व्यवस्था करते हैं? सर उनको बहुत अच्छे से वो दिया जाता है, चाय पानी दूध जी, और बर्ती वाले के लिए आलू जी, केले फ्रूट्स वगैरह सब ये देते हैं। और यहाँ जैसे जो कांवड़िया बीमार हो जाते हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था है? हाँ जी, डॉक्टर है हमारे पास, डॉक्टर को बुला देते हैं, डॉक्टर आ जाता है, दवाई हमारे पास जी, और सोने के लिए बहुत बढ़िया जगह है हमारे पास जी। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ जंगल में मंगल है, प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति की गोद में यहाँ चारों तरफ हरियाली है, और यहाँ शामियाना लगा करके शिव भक्तों का इंतजार रहता है। भक्तों में इतनी महिमा है, शिव के प्रति इतनी श्रद्धा है कि ये दौड़कर नंगे पांव चले जाते हैं और कांवड़िया को यहाँ लाते हैं और उसको स्नान कराने के बाद उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कांवड़िया जो अपने कंधे पर शिव गंगा जल धारण किए हुए हैं और अपने गंतव्य स्थल की ओर निकल पड़ते हैं। पुनः हम आपको बता दें कि सुरहती गांव में यह शिविर आयोजित किया गया था, जैसा कि हमें सुरहती गांव के युवाओं और इन बुजुर्गों ने और शिव भक्तों ने जानकारी दी। यह शिविर 3 तारीख से आयोजित किया गया था, जो कल शिवरात्रि पे शिवजी के मंदिर में शिवजी को जलाभिषेक कराने के बाद इस शिविर का समापन हो जाएगा। और यह शिविर आयोजित किया गया है शिव भक्तों की सेवा के लिए। ठीक है जी, बढ़िया हो गया ना।